मानव सेवा समाज में मानवता का सबसे बड़ा परमार्थ कार्य है और मानव सेवा में उनकी सेवा जो दिव्यांग है उन्हें शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, खेल के स्तर पर, कला के स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर ऊंचा उठाने का कार्य अपने आप में महान एवं पुण्य का कार्य है। मानवता परमार्थ का यह बीड़ा विगत 25 वर्षों से राजनांदगांव के दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संस्था अभिलाषा के द्वारा उठाया जा रहा है। अभिलाषा के मानवीय कार्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर गोविंद राम ऑडिटोरियल राजनांदगांव में रजत जयंती वर्ष समारोह का आयोजन अभिलाषा संस्थान के द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रही। अतिथि उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि मानवता एवं मानव हित में कार्य करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं, उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। मानव सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हमेशा याद किए जाते हैं। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष अब्दुल्ला यूसुफ एवं उनके सहयोगी दिव्यांग बच्चों का जीवन संवारने में, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर करने में और समाज में प्रतिष्ठा तथा सम्मान के साथ जीने के लिए जो प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं वह निस्संदेह सराहनीय एवं साधुवाद के योग्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती हेमा देशमुख ने कहा कि अभिलाषा का 25 वर्ष का सफर उनकी कड़ी मेहनत परमार्थ का परिणाम है। दिव्यांग ईश्वर के रूप होते हैं, इसलिए उनमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी क्षेत्र में एक विशिष्ट शक्ति हासिल होती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि संस्था ने दिव्यांगों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाने की दिशा में जो कार्य किया है वह हम सब के लिए गौरव की बात है। यहां के बच्चों ने संस्कृति, कला, खेल के क्षेत्र में न सिर्फ राजनांदगांव का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। रजत जयंती के अवसर पर संस्थान द्वारा ब्रोशर पत्रिका का विमोचन महामहिम राज्यपाल के हाथों किया गया, जिसमें इस संस्था के 25 वर्ष की गौरव गाथा है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर इस संस्था के उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल की है और अपनी मंजिल, अपनी मुकाम को पाकर दूसरों को प्रेरणा दी है। आयोजन स्थल को अपनी सुंदर कलाकृति से पूजा एवं पायल अग्रवाल ने फूलों की एवं रंगोली की सुंदर आकृतियां बनाकर और भी शोभायमान कर दिया था। पूजा अग्रवाल ने अभिलाषा के बच्चों के उत्साह वर्धन और प्रेरणा स्वरूप एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति अभिलाषा के दिव्यांग बच्चों के द्वारा की गई। बच्चों से शिक्षा प्रद एवं देशभक्ति गीत में प्रस्तुत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। मैं जाती विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, तो मैंने कहा मैंने हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं रहा जहां मैं नहीं गई हूँ। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पर मैंने देश भर का भ्रमण किया है। काफी कुछ जिम्मेदारी दायित्व में रहते हुए मैंने देश का भ्रमण किया था और मैंने देखा कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में कुछ अलग है। लेकिन पूरे उसमें मैं देखती हूं ना, मैंने आकलन किया है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग बहुत ही सहज और सरल और बहुत ही उनकी वाणी में एक मिठास है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रदेश। आप यहाँ के सब लोगों से मिलकर ऐसा लग रहा है कि हर कोई व्यक्ति मेरा अपना है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं उनकी हूं। कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया मैंने कि एक राज्यपाल, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कम लोगों से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन मैंने कहा कि एक राज्यपाल होने के नाते इस प्रदेश के लोगों को भी काफी उम्मीद और अपेक्षाएं होती हैं और मैं भी ये चाहूंगी कि हर कोई व्यक्ति मिले। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।